बुंदेलखंड के अंदर उन्होंने जल जंगल जमीन के प्रश्नों को लेकर बहुत संघर्ष किया है और बुंदेलखंड में दलितों के खास करके भूमि के क्या सवाल हैं और किस तरह से धार्मिक लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया हुआ उसके बारे में उनसे बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये बातचीत से हमारे सभी साथियों को जो जमीन इस प्रकार से देश भर में हथियाया जा रहा है उसके संबंध में लोगों को कुछ समझ बनेगी। तो आदर्श जी ये बताइए कि जो पूरा बुंदेलखंड में जो खास करके सीनिक एक्ट को सीनिक एक्ट से बचने के लिए यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने क्या क्या खेल खेले हैं। देखिए बुंदेलखंड में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में एक तो ये बीहड़ क्षेत्र है और यहाँ का जो खास तौर से जो कमेरा समाज है वो 70% लोग यहाँ के भूमिहीन हैं जो आजीविका के लिए यहाँ से पलायन करते हैं। और ज़मीन का जहाँ सवाल है कि ज़मीन में सबसे पहले यहाँ पर जमींदारों ने जो है ज़मीनों को हड़पा, इसके बाद भूदान आंदोलन में भी ज़मीनें हड़पी गई और तमाम तरह के जब सीलिंग एक्ट जो है यहाँ पर बना तो सीलिंग एक्ट से बचने के लिए, मानक से बचने के लिए उन जो है सामंतशाही लोगों ने और जमींदारों ने जो है ट्रस्टें बनाई और उन ज़मीनों को देवी देवताओं, मठ मंदिरों, भेड़ बकरियाँ, चूहा बिल्लियों के नाम कराया और जो यहाँ का कमेरा समाज है उसको भूमिहीन बनाया। और आज बुंदेलखंड में जो भुखमरी का और माइग्रेशन का जो सवाल खड़ा हुआ है वो जो है क्योंकि यहाँ की आजीविका कृषि है। कितनी जमीन यहाँ पर अभी जो है ट्रस्टों के नाम पे उन्होंने कब्जा की हुई है, जो मंदिरों के ट्रस्ट है या मठों के ट्रस्ट हैं? देखो मैंने जो उसका सर्वे किया जहाँ तक मैंने पहुँच बनाया तो 52,000 बीघे जमीन देवी देवताओं मठ मंदिरों के नाम आज भी बांदा जिले में दर्ज है। इसको एकड़ में कन्वर्ट करते कितने एकड़ से तो अगर एकड़ में करेंगे तो 52 कम से कम इसको 20,000 एकड़ 20,000 एकड़ जमीन जो है ये मठ मंदिर देवी देवताओं के नाम पे है और ये कोई सीलिंग इस पे लागू नहीं हो पाई। कोई सीलिंग नहीं लागू हो पाई और एक खेल मेरे बांदा में और किया गया 80 से 90 के बीच में। एक इकबाल बहादुर नाम के को कचहरी बांदा में मुंशी थे तो वो जो है ज़मीनों को जो है खुलेआम 2,000-2,500 बीघे बेचे और कम से कम 20,000 बीघे ज़मीन का जो है उन्होंने गबन किया, लोगों को दे दिया, समसाइयों को दे दिया। कोई भी व्यक्ति चला जाए उसको पैसा दे दो, वो माल खाने जाता था, जो बेनामी ज़मीनें होती थी उनके नाम कर देते थे। अच्छा, और श्रेणी 3 की ज़मीनों में भी खेल इसी तरह का खेल खेला गया। जो यहाँ पर दूसरा खेल था कि सीलिंग से बचने का तो एक खेल था, दूसरा खेल था कि लोगों ने जो है कुत्ते और बिल्लियों के नाम पे भी जमीन रख दी। हाँ ये चित्रकूट में भी काफी हुआ। चित्रकूट में भी हुआ, बांदा में भी हुआ। कैसे कुछ उदाहरण देंगे आप किस प्रकार के? मैं उदाहरण तौर पर जो है बांदा जिले के तहसील बबेरू में परसौली ग्राम पंचायत में जमीन का मामला हुआ, वहाँ मेरे मित्र प्रधान हुए श्यामलाल हितैषी जी, उनके माध्यम से मैंने उसको भापा अध्ययन किया उस जमीन को। लास्ट में ये निकल के आया कि इस परिवार में मोहनिया नाम की एक भैंस थी और मोहनिया भैंस के नाम जो है वो जमीन अंकित थी और उसकी लड़ाई लड़ी गई। कितनी जमीन लगी? वो 185 बीघे आसपास जमीन थी। तो भैंस के नाम पे 185 बीघे जमीन हो सकती है जी। और हमने देखा कि गौशालाओं के नाम पे जमीन है, गाय 4-5 है, लेकिन जमीनें बहुत ज़्यादा है। हाँ, जैसे हमारे उदाहरण के लिए पहले का जो बांदा जनपद है आज का तरबी जनपद में है, वो रसिन गांव है, वहाँ पर 750 बीघे जमीन गौशाला के नाम दर्ज है और 84 कुआं के नाम से जाना जाता था, मगर आज न वहाँ से तालाब भी गायब है, वहाँ से कुआं भी गायब है और सब सामंतशाही लोगों ने उन जमीनों पर कब्जा कर रखा। तो क्या हमको आपको यह नहीं लगता कि जो उत्तर प्रदेश है राज्य उसमें जो सीलिंग से बचने के लिए इतने तरीके निकाले गए हैं तो राज्य सरकारों को इसकी समझ नहीं है या वो करना नहीं चाहते? नहीं, मेरा मानना यह है कि जो राज्यों में जो नेतृत्व है, जो यहाँ से एमपी एमएलए वगैरह चुन के जाते हैं जो साथी लोग, तो उन लोग वो लोग जा करके वहाँ ऐसे ज्वलंत मुद्दों को भूल जाते हैं। चुनाव के पहले तो तमाम लोग बात करेंगे और चुनाव के बाद वहाँ जा करके ऐसे ज्वलंत मुद्दों को भूल जाते हैं और वो बने रहे, वो पार्लियामेंट में भी रहे, विधानसभा में भी रहे, तमाम तरह के नियम अधिनियम कानून बनाए, वो मूक नायक बैठे रहते हैं। और आज भी मेरे बुंदेलखंड का
70% कमेरा समाज खेतिहर मजदूर आज भी भूमिहीन है। बुंदेलखंड में इस समय जो है पूरे भूखे की स्थिति है और कई गांव जो है भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। वो खबरें ज़्यादा बड़ी बन नहीं रही हैं, लेकिन ऐसे आदिवासियों के हैं, दलितों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब हैं और सूखे राहत के नाम पे जो है वो खाली एक दक्षिणा दी जा रही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुँच रहा है। जी जी, इस पर मेरा कहना यह है कि बुंदेलखंड आज विगत 10 वर्षों से कहीं सुखा, कहीं बाढ़, कहीं ओलावृष्टि, इस तरह की अनेकों दैवीय आपदाओं से संघर्ष कर रहा है। यहाँ का किसान मजदूर जूझ रहा है, प्रकृति भी मार रही है, सरकारें भी मार रही हैं। जहाँ तक बुंदेलखंड में मैंने बांदा जिले में जो जहाँ तक मैंने पहुँच बनाई 155 लोगों ने आत्महत्या किया। कब से? ये जो है विगत जो है 13, 14 और 15 इन जो है 13, 14, 15 के मध्य में, यानी दो वर्षों का डाटा है मेरे पास। 2 वर्षों में जो है 155 लोगों ने आत्महत्या किया। और इसके बाद वो सूची जो आपका पोस्ट होता है एडीएम के अधीनस्थ वहाँ से भेजी गई मुख्यमंत्री राहत कोष से, तो उसमें ये देखा गया कि पिछले वर्ष 2015 में मात्र बांदा जिले में 17 लोगों को 7-7 लाख रुपए दिया गया। यहाँ से बसों में लेखपाल लोग सूचना दे करके यहाँ से ले गए, मात्र केवल 17 लोग हो रहे और 2 लोगों को जो है और उसके बाद में मिला। इसके अलावा शेष जितने भी पीड़ित परिवार किसान हैं उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, सयानी लड़कियां शादी के लिए बैठी हैं, वो विधवा एक एक रोटी के लिए भटक रही हैं, मगर आज तक जो है सरकार ने किसी एक ढेला नहीं दिया। 155 में से केवल 17 लोगों को, केवल आप दुगुना इस्तेमाल लीजिए उनका, 17 को मुफ्त दिया लेकर के सिविल टाइप लगा के और 2 को बाद में भेजा। इसके अलावा कोई मदद नहीं, इसके अलावा किसी तरह की कोई मदद। ये 17 लोग कौन सी बिरादरी में जाते हैं? इसमें ज्यादातर यादव है। ज्यादातर यादव? जी हाँ। अच्छा, और कुर्मी वगैरह जो है बुंदेलखंड के, जो बुंदेलखंड में कुर्मी एक आध हो सकते हैं, और दलित और आदिवासी, और दलित आदिवासी को तो मेरा मानना है कि 1-2 को मिला हो तो मिला नहीं। मतलब नहीं, जो आत्महत्या की उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दलित भी किया? अच्छा, दलित भी किया। तर्रा तहसील के अंतर्गत ओरन ग्रामीण जंगलहापुरवा में एक मन्नू लाल नाम के व्यक्ति ने जो है यूकेलिप्टिस के पेड़ में चढ़ करके जो है आत्महत्या की, 35 फुट के ऊपर चढ़ करके, और उसका हम लोगों ने जो है उसको सूचना दी, उसका पीएम कराया। क्या क्या कारण था आत्महत्या का? आत्महत्या का कारण ये था कि उसके पास जो है लगभग 1.5-2 बीघे खेती थी, और वो जो है मजदूरी करने गया हुआ था, ईंट भट्टा के मालिक से 50,000 रुपये उसने लिया हुआ था कि मैं ईंटा पथूंगा। इसके बाद वहाँ भी पानी बरस गया तो ईंटे ऊँटे उसके खराब हो गए। वो खेत पे गया और देखा कि वहाँ जो है ओला पड़ा, ओला से पूरी फसल चौपट हो गई, और आया और जो है मेरे पास खुद गया, मेरे मोहल्ले का वो मामला है, और उसने आके बताया कि क्या करूँ भाई साहब, बाहर से आया तो वहाँ भी मारा गया और यहाँ भी पेट मारा, और लड़की की शादी करना है, क्या करूँ। और इसके बाद तीसरे दिन जो है वो पेड़ में चढ़ करके आत्महत्या कर ली। तो इसका मतलब है कि ज़्यादातर किसान जो है जो उनपे ऋण है, वो ऋण किस प्रकार का ज्यादा है? क्या वो घर गृहस्थी का ऋण है या वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां पेस्टिसाइड की आ रही है उनका है? इसमें जो है हमारे यहाँ ज्यादातर कंपनियों का नहीं है, मगर हमारे बांदा जिले में एक तो सूदखोर जिन्हें साहूकार कहते हैं, तो साहूकार और सूदखोरों का कर्ज जो है लगभग 50% है लोगों के पास, और जो है 90% जो है जो दलित है वो उसके पास जो है कर्ज जो है सरकार का है। बीघे तो KCC का है और SCP का है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का है। 50,000 खींच के 1 लाख, इससे ज़्यादा लोन नहीं है। और अब लोन भारी का है, में लगातार ब्याजें बढ़ रही हैं। 14 दिन के लिए पकड़ ले जाते हैं, तहसीलदार 2 सिपाही आए उठा के बंद कर दिया, 14 दिन बंद रहते हैं, फिर छोड़ देते हैं। अब उधर ओला, उधर बेमौसम बारिश, और इधर भुखमरी, इधर सरकार की नाकामी, झूठे आश्वासन। कहा गया था चुनाव में कि 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के खाते में पहुंच जाएगा, विदेशी धन लाया जाएगा,
और लोग बुंदेलखंड में भूख से मर रहे हैं, ना खाता का पता है ना उस पैसे का पता है। बात इस बात की है कि बुंदेलखंड में किसानों की हालत बहुत खराब है, और जो पूरी बातचीत से समझ आ रहा है कि पिछले 10 सालों से जो है किसान जो है सूखे का शिकार हुआ है, और सरकार की योजनाएं उस तक नहीं पहुंची हैं। 155 किसान 2 सालों में आत्महत्या करे हैं रामकरण जी के अनुसार, केवल 12 जनपद में, और उसमें भी केवल 19 लोगों को ही सरकार की मदद पहुंची है। इससे पता चलता है कि अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार किसानों तक नहीं पहुंच पाई है और उनकी हालत बहुत ख़राब है। बुंदेलखंड में भूमि सुधारों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ के किसानों को भी विशेष तौर पर राहत देने की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि रामकरण जी से इस बातचीत को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार कोई कार्यवाही इस पर करेगी। धन्यवाद।